नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले क्लास नाइन्थ का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 13 है या 5th of August 2021 के लिए होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारा जो भूगोल का पार्ट सेकेंड है, भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें हम आज हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। तो चलिए इसे प्रॉपर वे में समझने का प्रयास करते हैं और समझेंगे भी, और इसमें पूछे गए प्रश्न का उत्तर भी देंगे। चलिए, तो उत्तरी मैदान इसका निर्माण तीन प्रमुख नदियों से हुए, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जिसे वो मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी है, जो उपजाऊ युक्त होता है, के कारण निक्षेपण से हुआ। इसका आकार जो है ना 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। अब हम देखेंगे जो उर्वरता से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि है ये, ठीक है, उत्तरी मैदान, और पानी की पर्याप्त उपलब्धता है, यहाँ पानी अधिक से पाया जाता है, अनुकूल जलवायु है और यातायात के सुलभ साधन भी है, यानी कि जलवायु अनुकूल है क्योंकि यातायात के लिए रेल है, सड़क मार्ग है, हवाई जहाज है। हवाई जहाज के कारण यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, सघन जनसंख्या जिसमें जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, और पर स्क्वायर किलोमीटर अधिक हो। मोटे तौर पर इन्हें तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब मैदान, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब मैदान के नाम से जाना जाता है, जो कि सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ के निक्षेपों से बना है। दोआब, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब की संज्ञा दी गई है, ठीक है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, उत्तरी मैदान का मध्य भाग जो कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो लाई गई निक्षेपों के कारण द्वारा बनी है, इसका विस्तार घग्गर नदी, यानी घग्गर नदी कहाँ है, हरियाणा में, से तीस्ता नदी यानी पश्चिम बंगाल तक है, ठीक है। और देखिए, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ना, इसमें जो ये तीन जो है ना, ब्रह्मपुत्र का मैदान, जैसे कि पंजाबी का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग जो मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर, जो कि मुख्य रूप से असम में फैला हुआ है, यह मैदान ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदियां द्वारा बहाकर बनाया गया है। अब देखिए, आकृति विभिन्नता के आधार पर, यानी भावर शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर के चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप, जहां नदियां नजर नहीं आती है, भावर कहलाती है। और तराई भावर के दक्षिण में उपस्थित नम एवं दलदली क्षेत्र, जहां नदियां पुनः निकल आती है और जो घने जंगल से भरा है, तराई कहलाता है। उसके बाद भांबर क्या होता है डियर स्टूडेंट, पुराने जलोढ़ के जो मैदान, जो वेदिका, जिसे चबूतरे कहते हैं, वेदिका को जैसी आकृति बनती है वो भांगर कहलाती है। यहाँ अब नए जलोढ़ का निक्षेप नहीं होता है, यहाँ की मिट्टी में पाए जाने वाले चूनेदार निक्षेप का कंकर कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये समझ में आ रहा है। अब खादर क्या होता है ये याद रखिएगा, खादर और बांगर आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो खादर बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों से उपजाऊ होने के कारण गहन खेती के लिए आदर्श होती है, जो कि खादर कहलाती है। तो इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न है, ये टोटल जो है ना 5 प्रश्न है। तो चलिए इस सभी प्रश्न का हम एक एक करके आंसर देखते हैं डियर स्टूडेंट। अगर आपको ये वर्कशीट पसंद आए तो इस वर्कशीट को अवश्य लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे, राइट। तो देखिए, भारत के उत्तरी मैदान से मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान है, किन्हीं तीन नदियों का नाम लिखिए। तो भारत के उत्तरी मैदान में जो है ना, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीनों नदियों का योगदान है। मैदानी भाग में जो है ना, घनी जनसंख्या के बसाव के क्या कारण है, मैदानी भाग में लोगों के जीवन के अनुकूल खेती के लिए समतल भूमि, पर्याप्त सिंचाई के लिए जल, अनुकूल जलवायु, परिवहन के साधन जैसे रेल, सड़क के कारण अधिक जनसंख्या का बसाव है, ठीक है। तो ये सारे रीजन हैं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ। तो भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली और सहायक नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप द्वारा होता है, यानी लाए गए मिट्टी से हुआ है, ठीक है। अब तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा रहता है, क्योंकि तराई का क्षेत्र दलदली है, और यहाँ क्षेत्र वर्ष भर नदियाँ यमुना और ब्रह्मपुत्र के पानी से भरा रहता है। ये नदियाँ बारहमासी है, इसीलिए तराई भाग घने जंगल से भरा रहता है,
और क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट लास्ट है, दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए कि ये उपजाऊ क्यों है। तो दिल्ली में यमुना खादर, दिल्ली में स्थित एक खादर इलाका है, यहाँ यमुना नदी द्वारा लाए गए पानी का यहाँ यमुना नदी द्वारा लगातार पानी की मौजूदगी के कारण ये इलाका काफ़ी उपजाऊ है। और इसी लेकर के जो है ना डियर स्टूडेंट, दिल्ली में जो है ना घनी आबादी भी है, ठीक है, घनी आबादी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको ये वर्कशीट अच्छा लगा है तो इस वर्कशीट को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।